अस्सलामुअलैकुम वर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जैसे कि आप यहाँ पे चहल पहल देख रहे हैं, रात का टाइम है 8 बजे का। इन पर आए आगे तो देत गांव है। ये देत गांव के अंदर पहाड़ियाँ वगैरह जो बनाई जाती है 12 रबीउल अव्वल पे, तो इस गांव के अंदर हम लोग इंटर हुए हैं। यहाँ पे अंदर जाके देखते हैं कि किस किस्म की पहाड़ियाँ और क्या क्या बनाया हुआ है इधर। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं मेन जो है ना जगह से, क्योंकि पिछली बार भी हमने यहाँ विज़िट किया था अंदर, वो बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में नाते चल रही हैं। अगर मेरी आवाज़ रिकॉर्ड ना हो पाई तो ये देखें एंट्रेंस जैसे कि ऐसे बनाया हुआ है और कितने खूबसूरत यहाँ पे रंग भरे हुए हैं। वाओ, यहाँ पे मैं एक दो पिक्चर्स भी अपनी क्लिक करूँगी और बहुत ज़्यादा तादाद आती है यहाँ पर देखने वाली। अंदर चलते, कारपेट वगैरह भी इन्होंने बहुत बिछाते हैं तो बहुत ज़्यादा मिट्टी की वजह से। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना खूबसूरत इन्होंने जो है ना ये डेकोरेशन की हुई है यहाँ पर, सजाया हुआ है। और ये कलर वगैरह कितने प्यारे हैं जो यहाँ पे डाले हैं इतने सारे। हाउस नाते बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में चल रही है, इस वजह से मेरी आवाज़, मैं बिल्कुल कैमरा मुंह के पास करके रिकॉर्ड कर रही हूँ और अपनी भी इसीलिए नहीं बनवा रही हूँ मैं वीडियो। फिर मैं बोलूँगी तो मेरी आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि मैं अपने माइक वगैरह और जो दूसरी चीज़ें हैं मेरी है वो सब नहीं लाई हूँ मैं यहाँ पर। पिछली बार मैंने यहाँ पर आके इंटरव्यू लिया था, पिछले मेरे ब्लॉग्स में भी जाके देखिएगा पिछले साल के। चलो चलो, आगे जो है ना ये जैसे कि मैं साथ साथ आपको बताना भूल गई कि वो पीछे मस्जिद अक्सा है जैसे कि आपने देखी, और कुछ यहाँ पे कल्चर इस तरह का भी बनाया हुआ है गांव देहात का, जैसे गांव में जो होते हैं, जैसे कि ये देखें। वाओ, कितना खूबसूरत यार, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये सारे जो ऊँट वगैरह, इनकी अभी मुझे हिस्ट्री तो नहीं पता, लेकिन जो भी है ये खैमे लगाए हुए ऊँट, ये जैसे ना करबला का, जैसे जब करबला थी उसका जो है ना सारा ये माहौल बनाया हुआ है इन्होंने, क्योंकि खैमे भी काले ब्लैक कलर के कपड़े के बनाए हुए लाइट कलर, और ये जो है ना ऊँट और जो सारे ऊँट रखे हैं इधर, उमैर कंदील और उसको लेकर आए हैं, वो आगे आगे घूम रहे हैं। और कुछ लोग जो अपनी हैसियत के मुताबिक जो होते हैं पैसे फेंक के जाते हैं यहाँ पर, तो ये देखें ऐसे ही, ये नेक्स्ट टाइम जो पहाड़ियाँ बनती हैं ये सब पैसे है ना उसी में ही काम आते हैं। पिछली बार की बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत पहाड़ियाँ थी, अब ये क्या है मैं इसके बारे में नहीं जानती, यहाँ पर ऑनर मौजूद नहीं है। नहीं तो कुछ चीज़ें अभी नई भी बनी हुई हैं जो कि जिसके बारे में मुझे अभी पता नहीं, पिछली बार ये नहीं था यहाँ पर। ये क्या है, क्या बना है ये? शाह फैसल मस्जिद। अच्छा अच्छा ठीक है। ये अभी न्यू बनाया हुआ है, पिछली बार ये नहीं था यहाँ पर। हाँ ये देखिए कुछ कुछ चीज़ों पे लिखा हुआ भी है, ये बड़ा अच्छा किया जो इन्होंने लिखा हुआ है। और ये देखें ये फिर से गांव का वही कल्चर दिखाया हुआ है। वाह, ये कुआं वगैरह कुछ बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है सामने? ये जगह तो मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही है यहाँ पर।
ये देखिए मैंने आपको जूम करके जो है ना वो जो उन्होंने मतलब कि पुराने ज़माने की जो औरतें थी इस तरह से कुएं से पानी लाती थी जो भी है, बड़ा प्यारा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। माई हलीमा की कुली और ये कुआं बनाया हुआ इन्होंने जो है ना, हज़रत उस्मान का कुआं बनाया हुआ ये जी, हर चीज़ पे। ये देखें ये खिलौने, मिट्टी के खिलौने और कुछ मैंने जूम करा हुआ है, सब कुछ मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। और ये जो सामने जग रखा हुआ आप देख रहे हैं, इस तरह का जग मेरे पास घर में भी है मिट्टी का रखा। काफ़ी सारे लोग अपने अपने मोबाइल में शूट कर रहे होते हैं वीडियो, तो बीच में से मुझे भी तो ये सब बनाया हुआ। ये किस चीज़ का है, मतलब ये क्या है इस बारे में बताया मुझे थोड़ा सा आप। ये क्या ये वैसे ये वैसे ही घर वगैरह, अब मुझे नहीं पता मैं क्या था। ये देखें पिछली बार भी बहुत कुछ था यहाँ पर, बहुत कुछ था। अभी मैं थोड़ा सा और आगे आई हूँ, महंगाई के दौर में यहाँ पे जो है ना ऑनर जो है, यहाँ के जो ऑनर हैं उसने खुद से जो है ना यहाँ मतलब अपनी मदद आप बनाते हैं। जैसे मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि अपनी मदद आप ही बनाते हैं ये लोग पहाड़ियाँ, जितना भी हज़ारों या लाखों में खर्चा आता है, इनका तो कहना था कि 10 लाख रुपये खर्चा आता है इसके अंदर। ये देखें कितना खूबसूरत है, ये पेंटिंग वगैरह कुछ करवाई है। लोग बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे देखने के लिए। मैं वहाँ से आना अंदर इंटर हुई थी, वहाँ से ऐसे चलते चलते इधर से आई हूँ और ये अब यहाँ से बाहर का रास्ता फाइनली बना लिए मैंने वीडियो। बस इतना ही ब्लॉग बनाना था, मुझे दिखाना था आपको रौनक। और कैंट तो अभी जाना होगा नहीं क्योंकि कैंट में ना बहुत मुश्किल है जाना। और कंदील मैडम ने अपनी चप्पल तोड़ दी भाई। अब हम लोग उधर से अंदर गए थे, यहाँ से वापसी आ रहे हैं सारे। तो आपको कैसी लगी आज का हमारा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। मैंने बहुत मेहनत से आके स्पेशल आके बनाया, हालांकि बहुत ज़्यादा मैं थकी थी फिर भी मैं आई यहाँ पे। मैंने सोचा कि एक ब्लॉग तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ और आपको सारा माहौल यहाँ का दिखा सकूँ, क्योंकि गाँव के अंदर भी इतनी इतनी अच्छी यार यहाँ पर बनाई जाती हैं, मतलब कि पहाड़ियाँ हैं। तो कैंट में तो खैर बहुत ज़्यादा ही होगा, लेकिन मैं इधर आई, मैंने एक ब्लॉग बनाया शेयर किया आपके साथ। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। अगला पेश